केस स्टेटमेंट, ठीक है। ठीक है जी। तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये इसके बारे में बता दूँ, जो अपने वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है इसके बारे में ठीक है एक बुक। सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी बोलिए। ये जो MIS रिपोर्टिंग होता है, ये क्या चीज होती है? MIS सर, ये जो आपका ऐसा है ना कि जो मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट बनती है ना, उसको MIS रिपोर्टिंग बोलते हैं। उसमें ऐसा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, वो कुछ भी अच्छा हो सकता है जो मैनेजमेंट आपसे मांग ले। ठीक है जी। अच्छा मोस्ट ऑफ द ओके टाइम आपका पायवट से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा यही एडवांस एक्सेल के मेथड यूज करके जो भी रिपोर्ट बनाएंगे वो MIS रिपोर्टिंग हो जाए, कह जाती है। ठीक है जी। तो MIS है। में वैसे जैसे वही होता है, वही है, कंप्यूटर ऑपरेटर ही होते हैं, जो थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाते हैं वो MIS कहलाते हैं। ठीक है जी। काम ठीक है से ही होता है, कोई खास नहीं होता, वही कोऑर्डिनेशन वगैरह का काम होता है, उससे डेटा इकट्ठा करते हैं और रिपोर्ट के फॉर्म में मैनेजमेंट को दे देते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा जी। जैसे क्वार्टर वाइज रिपोर्ट बनानी हो गई, इसी तरह से मतलब जो भी रिपोर्टें बनती हैं वही करते हैं। ठीक ठीक है जी। क्या MIS का आपके यहाँ चलता है क्या? उधर MIS का तो खूब ही चलता होगा। सर ये एक्चुअली मुझे नाम से नहीं पता, लेकिन जो मैं अपना पुराना पिछला जॉब करता था उसमें भी यही होता था कि काफी सारा डेटा इकट्ठा करके उसके ऊपर रिसर्च करनी होती थी। और जो मतलब तुम एक्सेल में पिवट टेबल वगैरह बनाते थे, चार्ट्स बनाते थे, ट्रेंड एनालिसिस करते थे, ये सब करते रहते थे। हाँ जी, यही सब होता ही है। हाँ जी, मतलब मेरे को नाम से नहीं पता था, लेकिन यही है, यही करता था। तो चलिए आज इनको देखते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात कर रहे थे हम। वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं क्या होता है फंडा इसका, हाँ जी इसके लिए सर, पहले। मैं 1 सेकंड अपना वो लगा लेता हूँ, अडाप्टर लैपटॉप उड़ने वाला है। हाँ, कोई हैवी कोड नहीं होना चाहिए। तो इनके कोड की जो है जो भी स्टोरेज है वो भी मैटर करती है। हम कोशिश करते हैं कि लाइट स्टोरेज वाला वेरिएबल यूज करें। ठीक है जी। लेट्स सपोज बाइट, बाइट कभी यूज नहीं होता जिसमें 0 से 255 तक की वैल्यूज हम डाल सकते हैं। ठीक है जी। अब इस तरह की वैल्यू की जरूरत हमें कम ही पड़ती है, क्योंकि ये सबसे कम जगह लेता है, 1 बाइट की जगह लेता है बाइट। ठीक है जी। ठीक है। उसी तरह से बुलीन है। बुलीन क्या करता है, ट्रू और फॉल्स इन दोनों में से कोई वैल्यू स्टोर होती है इसका। ठीक है जी। जैसे अपना इफ के फॉर्मूले का रिजल्ट आता है या तो ट्रू में आता है या फॉल्स में आता है नहीं? तो बुलियन वेरिएबल उसके लिए यूज करते हैं जो कि 2 बाइट का होता है। ठीक है जी। उसके बाद इंटीजर यूज होता है। इंटीजर क्या करता है, 32,768 से लेकर 32,767 तक वैल्यू को मतलब आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। कैलकुलेशन के लिए यूज होता है ये। ठीक है जी। बाइट भी कैलकुलेशन, नंबर्स के लिए यूज होता है, ये भी नंबर्स के लिए, बट इसमें आप डेसिमल नहीं दे सकते। ठीक है जी। डेसिमल ओके के लिए क्या है, हमारे पास लॉन्ग है जिसकी ये करोड़ों में लिमिट है। ठीक है जी। इसको यूज करते हैं। सिंगल है, सिंगल की लिमिट इससे ज्यादा। हाँ जी, ये लॉन्ग जो है इंटीजर का ही बड़ा भाई है, इसमें भी डेसिमल नहीं लेते। ठीक है जी। रेंज इसकी ज्यादा है, 4 बाइट का है। सिंगल जो है, सिंगल में नेगेटिव ये अपना ये लॉन्ग की तरह ही है, बट इसमें क्या है कि आपकी वो चल जाती है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए होता है, डेसिमल नहीं चलते हैं इसमें, और इसकी लिमिट उससे ज्यादा होती है अपनी लॉन्ग से। ठीक है जी। सिंगल। डबल जो होता है, डबल की भी रेंज अच्छी खासी होती है। इसमें लिखा हुआ है कि कितने से कितनी रेंज है, बस ई के कारण इसको समझना मुश्किल है कि ई असल में होता क्या है। मतलब ये ऐसी रेंज है जो यहाँ तक कैलकुलेशन जाती नहीं हमारी, अरबों खरबों से ऊपर की। ठीक है जी। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ठीक में ही इसकी अच्छी खासी लिमिट है, और डेसिमल में भी यूज किया जाता है। तो मोटा मोटा हम समझे
जो हम नॉर्मल जिनके साथ काम करते हैं वो आप कर सकते हैं इंटीजर के साथ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन के लिए, ज्यादा बड़ी है तो लॉन्ग यूज कर लेंगे, लॉन्ग या सिंगल दोनों यूज कर सकते हैं जहां डेसिमल नहीं है। जहां डेसिमल है वहां डबल का यूज किया जा सकता है या फिर डेसिमल का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है जी, डेसिमल भी इसमें यूज कर सकते हैं, डबल और डेसिमल दोनों यूज कर सकते हैं। करेंसी इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है, करेंसी की हमें जरूरत नहीं पड़ती, ये सारा काम हमारा इससे भी हो जाता है, ठीक है जी। तो करेंसी भी वैसा ही वेरिएबल कैलकुलेशन के लिए हमें, क्योंकि एक ही वेरिएबल एक दूसरे का काम करते हैं तो उनकी जगह एक भी यूज करें या अलग अलग करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। ठीक है, डेट वगैरह के लिए हम डेट का वेरिएबल यूज करते हैं, जिसमें डेट जो है 1 जनवरी 100 से लेकर दिसंबर 31 दिसंबर 9999 तक ले सकते हैं, ठीक है जी। डेट डेट के लिए अलग वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट मोस्टली हमारा जो चीज आपकी ना स्ट्रिंग है ना मतलब टेक्स्ट है ना न्यूमेरिक है ना वेरिएबल है, सच एज एप्लीकेशन हो गई, वर्ड हो गया, ठीक है जी, या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, तो इनको यूज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है जी। इसको कैसे करेंगे इसका भी आगे दिखाऊंगा मैं, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को। स्ट्रिंग जो आपकी टेक्स्ट वाली वैल्यू है वो हमेशा स्ट्रिंग से ही डिनोट की जाती है, ठीक है जी। तो मेन वेरिएबल जो हमारे यूज में आने वाले हैं, बुलीन आप यूज कर सकते हैं, इंटीजर लॉन्ग सिंगल में से यूज कर सकते हैं, डबल यूज कर सकते हैं, डेसिमल करेंसी करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंटीजर लॉन्ग सिंगल डबल में सारा हो जाता है, ठीक है जी। फिर डेट्स पे आते हैं, ऑब्जेक्ट आपका यूज आएगा जब आप अदर एप्लीकेशन से कनेक्टिविटी बना रहे हो किसी भी अदर सॉफ्टवेयर से। स्ट्रिंग टेक्स्ट के लिए यूज होता है, ठीक है जी। तो स्ट्रिंग में भी अच्छा खासा यूज होता है। फिर आपका वेरिएंट है, वेरिएंट जो होता है, वेरिएंट कुछ भी वो कर सकता है, मतलब अबव जितने भी वेरिएबल थे वो वेर के अंदर स्टोर हो सकते हैं, ठीक है जी। न्यूमेरिक में भी चल जाता है ये, स्ट्रिंग में भी चल जाता है वेरिएंट, जो जावास्क्रिप्ट का var होता है ना, var, वो ये वेरिएबल ये अपने आप में पूरा स्ट्रिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं, नंबर की तरह भी। फिर यूजर डिफाइंड होता है कि एक यूजर भी डिफाइन कर सकता है अपनी तरफ से कोई वेरिएबल स्पेशल, तो वो होता है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत पड़ती है कभी यूजर डिफाइंड नहीं पड़ती, नहीं पड़ती, इनसे ही सारा हो जाता है। ध्यान में रखने वाला है इंटीजर लॉन्ग और सिंगल में से कोई भी यूज कीजिए, मोस्टली जैसे लॉन्ग ज्यादा बड़ी वैल्यू है तो लॉन्ग, छोटी वैल्यू है तो इंटीजर, जैसे हम टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो इंटीजर पे करिए, अदरवाइज लॉन्ग से कर लीजिए, ठीक है जी। डेसिमल वैल्यूज के लिए डबल को यूज कीजिए, डेट के वैल्यूज के लिए डेट को यूज कीजिए और टेक्स्ट वैल्यू के लिए स्ट्रिंग को यूज कीजिए। ऑब्जेक्ट आप अपने आप से कभी यूज नहीं करेंगे, इसका कोड हमेशा कॉपी करेंगे बाहर से, ठीक है जी। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हर एक का कोड अलग अलग होता है, तो ये आपको सारे मिलेंगे तो है नहीं, तो आपको ये नेट से ही मिलेगा हमेशा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट उस केस में यूज, सर एक सेकंड, हाँ जी एक सेकंड होल्ड करना जी, एक सेकंड सर, सॉरी। एक एक्सेल पे मैं कंडीशन ले लेता हूं कि नॉर्मल अगर मेरा ये मैंने लिया प्रोग्राम, यहां पर जो वैल्यू मेरी 50 से बड़ी है वो रेड कलर हो जानी चाहिए, ठीक है जी। ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है, कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे,
वैल्यू 50 से बड़ी हो, पहले तो सिलेक्शन करवाना होता है, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, जैसे शीट वन में, तो शीट वन डॉट रेंज ए 6500 मैंने दे दी, ठीक है जी। डॉट एंड एक्सेल, अब ऊपर जाऊंगा, ये तो आपने रिवाइज कर ही लिया होगा, ठीक है जी। सिलेक्ट, ठीक है जी। फिर शीट वन डॉट रेंज मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सिलेक्शन, फिर यहाँ पे सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल अप, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके अप सिलेक्ट हो गया। अब नॉर्मली ये थी मैंने सिलेक्ट करनी होती है, तो मैं क्या कर देता कि डिम आर एज रेंज कर देता, मतलब आपको रेंज का वेरिएबल बनाना है ना कभी, जैसे सेल का, तो इसके लिए क्या कर देंगे आर एज रेंज। इसी तरह से आप शीट के लिए बनाना है तो एज वर्कशीट भी बना सकते हैं, हर चीज के बना सकते हैं वेरिएबल, ठीक है जी। अच्छा, वर्कबुक और शीट, शीट के अलग से बना सकते हैं, वर्कशीट का होना चाहिए, वर्कबुक का ही है, कोई बात नहीं। तो मैं रेंज का इसलिए बताता हूँ क्योंकि इसका ज्यादा यूज होता है। अब जैसे मैं रेंज में ये भी सेव करा सकता हूँ कि रेंज जो हमारी है वो ये है, रेंज में मैंने A1 दे सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो वो R में सेव हो जाएगा, ठीक है, R में सेव हो जाएगा। तो R डॉट वैल्यू को मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता, ठीक है जी। तो जैसे मैं इसमें ये दे देता हूं, अभी मैंने एक ही लिया, अभी पूरी लिस्ट की बात नहीं कर रहे, A1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। सर, ये डिम आर एज रेंज का मतलब इसको करने का पर्पस क्या है, ये आप क्यों वो कर रहे हो? वो आप तो अभी समझ में आ जाएगा इसमें आर को, क्योंकि मैं ये रेंज में बार बार ये A1 लिखना नहीं चाहता, ठीक है जी, एक ही बार मैंने बता दिया। अब यहां भी यूज करूंगा आर, आर का मतलब है रेंज A1, ठीक है जी। पर ये रेंज जो है ना तभी एक्सेसिव होगा जब ये रेंज में ही एक्सेसिव होगा, इसके अंदर मैं कुछ चाहूं कोई टेक्स्ट सेव करा दूं तो नहीं करा सकता, इसका मतलब है A1 बस, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये E3 है और इसका नाम बदल के मैं R बन गया, ठीक है जी, तो कभी भी R यूज करूंगा, कहां गया, यहां R हुआ, अच्छा खाली R भी नहीं रख सकता, कुछ नाम रखना पड़ेगा इसका, तो R1 भी नहीं कर सकता क्योंकि पहले ही है, R_1 कर देता हूं, ठीक है जी। तो ये इसका नाम पड़ गया इस सेल का, E4 का, तो कहीं भी R_1 करता हूं तो उसका मतलब है ये ऊपर वाली सेल, ठीक है जी, ठीक है। सेम यही कॉन्सेप्ट है जो नेमिंग का था हमारा, तो R हो गया मेरे पास। अब मैं एक कंडीशन लगाऊंगा वही वाली जो मैंने कही थी कि इफ R ग्रेटर देन 50, देन लॉजिकल कंडीशंस तो क्रिया है ना सर, ये ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, हाँ जी। तो इसमें मैं करूंगा कि आर अगर ऐसा है, एंड इफ कर देता हूं यहां पे, और अगर इसको ग्रेटर देन 50 मिलता है तो क्या करे, आर डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू बीबी रेड, लाल कर दे, ठीक है जी। तो फिलहाल ऊपर वाले को मैं डिसेबल करा देता हूं, रेंज को कैसे करेंगे पूरे को वो भी बता दूंगा जी, पर फिलहाल ये समझाने के लिए कि इफ अगर 50 से बड़ी है तो कलर हो जाए, 50 से बड़ी तो है नहीं, डेवलपर में जाके मैक्रो को मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, एक डिबग क्या कह रहा है, क्या एरर आई यहाँ,
ऑब्जेक्ट वेरिएबल और विद ब्लॉक वेरिएबल नॉट सेट, ऑब्जेक्ट वेरिएबल विद ब्लॉक वेरिएबल नॉट सेट, ब्लॉक वेरिएबल डॉट नेम ऐसे हो जाएगा। अच्छा चलिए, फिर इस तरह से एक्सेस नहीं होता होगा, पर मैं बताऊं कि मैं करना क्या चाह रहा था कि आर को मैं इसमें यूज करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो आर का कलर यहां से हो जाना चाहिए। अब मैंने ये बताया कि जब मैं ये सिलेक्शन कर रहा हूं यहां से पूरी की पूरी, हालांकि इस तरह से यूज नहीं करते जैसे मैं कर रहा था इसमें, बट वो इसके लिए बताया कि मेरे को सबका जब कराना है, मैंने सिलेक्शन करा लिया और इसमें ये कंडीशन चलनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि आर में मुझे हर बार नई नई सेल डालते रहना है ना। लिस्ट में से पहले मैं करूंगा यहां से शुरुआत, तो फिर यहां से हो, फिर यहां से हो, फिर यहां से हो, हर एक सेल को बारी बारी आर के अंदर डलवाऊंगा। तो आर के अंदर डलवाने का बेसिकली प्रोसेस क्या है कि यहां से मेरे पास तो सिलेक्शन में आ गई सारी रेंज, ठीक है जी। अब सारी रेंज को एक्सेस करने के लिए मेरे पास एक स्पेशल लूप है फॉर ईच कीवर्ड, फॉर ईच आर इन सिलेक्शन, फॉर ईच आर इन सिलेक्शन, और यहां पे लगाते हैं हम नेक्स्ट आर। अब ये स्पेशल कोड करेगा क्या, आर मैंने खाली डिक्लेयर किया, अब आर के अंदर जो वैल्यू जाएगी ना फॉर ईच की मदद से, पहली वाली जो इसमें कितना भी बड़ा सिलेक्शन जो इन्होंने किया यहां से, उसकी पहली सेल पहले आर में जाएगी, फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा, नेक्स्ट आर आएगा तो फिर दूसरी सेल आएगी, इस तरह से लूप चलेगा ये, ठीक है जी। ठीक है, आर में बारी बारी जो है सिलेक्टेड सेल्स आती रहेंगी, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको चलाऊं, देख लेते हैं, आराम आराम से चलाते हैं F8 से। तो पहले हमारा यहाँ आ गया 6500 से, इधर आ गया 46 पे सिलेक्ट हो गया, 46 पे सिलेक्ट हो गया, आगे बढ़ा मैं पूरा ऊपर तक सिलेक्ट हो गया, फिर अब R में पहली सेल गई, कंडीशन चेक हुई, नहीं 50 से बड़ा नहीं है, R में कौन सी वैल्यू है 50 है पहले, ठीक है। अब आ गए नेक्स्ट आर हुआ, अब कौन सी आ गई 37, ये वाली नहीं है। अब ये जो नेक्स्ट आई इसमें 54, तो 54 का कलर जो है ये वाला कोड चल जाएगा, चेंज हो गया। इसी तरह से हर एक पे कंडीशन चेक करके ये करता चला जाएगा, ठीक है जी। एक शूट में चलाए तो ऐसा रिजल्ट आपको दिखे दिखाई देगा, ठीक है जी। ठीक है, मैंने एक वो दिखाया डेमो, अब क्या करेंगे, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ नॉर्मल कलर से। चलिए फॉर लूप बताइए आपने मेरे को, फॉर लूप फॉर लूप बताएंगे। लूप्स में खाली फॉर ही लूप नहीं है, बहुत सारे लूप हैं, पर फॉर ईच जो है आपका सबसे ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि वो इस सिलेक्शन के साथ चलता है, ठीक है जी। जो आपके डेली वर्क में आप काम कर सके, पहले मैं वो चीजें बता रहा हूँ, ठीक है जी। ठीक है, आप बख्शी आप वर्कबुक जान गए, फाइल सेव कराना आ गया, फिर आपको सेल्स को नेविगेट करना आ गया, ऊपर नीचे जाना आ गया, ठीक है जी, सिलेक्शन कराना आ गया, ठीक है जी। सिलेक्शन के बाद है कि उनपे काम करवाना, तो काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, कंडीशन के थ्रू भी कर पा रहा हूं मैं। अब इसी में ही मैं कंडीशन बता रहा हूँ, इसमें जरूरी था इसको बताना तो इसलिए मैंने बताया, अदरवाइज लूप की हमारी स्पेशल क्लास होगी जिसके अंदर खाली लूप बताएंगे, सिर्फ लूप, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया कि बीबी रेड करा दिया। अब मैं एक एल्स में एक कीवर्ड लगाता हूं कि मतलब अगर 50 से बड़ा ना हो तो क्या करना है, तो मैं कह देता हूं आर डॉट इंटीरियर
डॉट कलर, यहाँ पे फॉन्ट कलर चेंज करवा देते हैं, इंटीरियर ही बार बार नहीं कराते, कोड वेरिएशन करते हैं, फॉन्ट डॉट कलर और उसको करवा देते हैं वीबी ब्लू, ठीक है जी, ब्लू करवा दो। अब मैं इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे बाकी वैल्यू नीली हो गई और ये लाल हो गई, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है? अब मान लीजिए जैसे मैं इसको कर रहा हूं, ये सिलेक्शन सा दिखा रहा है, मैं चाह रहा हूं खाली करके छोड़ दे अलग से, तो क्या करेंगे कि एक बार ऐसे कर देंगे कोई भी रेंज A1, मतलब सिलेक्शन नहीं रहना चाहिए तो किसी और को सिलेक्ट करवा दें, डॉट सिलेक्ट, तो इसमें जब भी काम करके हटेगा तो आपको ये वैसे ही सेल एक कोई एक सिलेक्ट करके रख देगा, ठीक है जी, पूरे को वो नहीं दिखाएगा, ऑड नहीं लगेगा, ठीक है सर। तो एक कोड तो हो गया ये कि इफ एल्स हम इसमें चला सकते हैं इस तरह से। दूसरा, इफ एल्स के अंदर काफी सारी चीजें और हैं। अब जैसे मेरे पास एक एंड और का यूज किया होगा आपने कभी लॉजिकल कंडीशंस में, किया एंड फंक्शन और फंक्शन? हाँ जी, इफ में इफ के साथ किया है एंड नॉर्मली भी किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे कुछ कैंडिडेट है, ठीक है जी, इनका हुआ इंटरव्यू, तो उसमें हुए राउंड, और राउंड में क्या हुआ, किसी ने इनको ओके किया, किसी ने रिजेक्ट किया, यस नो करके उन्होंने फीडिंग कर दी। पर हमारी कंडीशन है कि जब सब में सिलेक्टेड हो, यस हो, तभी वो सिलेक्टेड होना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्टेड होना चाहिए, ठीक है जी, इस तरह से। अब इसको मुझे रिजल्ट यहां प्रिंट कराना है, ठीक है जी। तो इसमें एक क्या कहते हैं, हमें ये वैसे फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बट अब यहां पीबीए से करवा, उनके सामने सामने इनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो कोड में यही रहने देता हूं, थोड़ा सा चेंज करके इसको चला सकता हूं, यहां पे शीट टू बदल दूंगा, ठीक है जी। सिलेक्ट करेगा, लास्ट वाला जो सिलेक्शन है वो मैं करा देता हूं A2 तक, क्योंकि डेटा वहीं तक है, ठीक है जी। अब आप कहेंगे कि मैं खाली इतना सिलेक्ट कर रहा हूं, बाकी कैसे एक्सेस करूं? तो यहां से एक ऑफसेट फंक्शन होता है अपने पास, उसी सिलेक्शन में यूज करेंगे, या किसी में भी, सिलेक्शन में भी यूज कर सकते हैं, वैसे भी यूज कर सकते हैं। तो यहां कैसे यूज करेंगे, अभी मैंने डेटा सिलेक्ट कराया इतना, अब मुझे पहली वैल्यू जो आर में आ रही है, इसी मॉडल में चलते हैं, इफ कंडीशन में चेक करानी है कि इफ आर डॉट ऑफसेट डॉट वैल्यू, और ऑफसेट के अंदर मुझे वो डालना पड़ेगा, ऑफसेट में रो एंड कॉलम डालना पड़ता है कि कितने आगे और कितने पीछे, ठीक है जी, रो डालनी पड़ती, कॉलम डालना पड़ता है कि यहां से कितना, तो यहां से एक कॉलम आगे है तो रो क्या होगी, वो सेम होगी, तो मैं जीरो कर देता हूं, रो सेम होनी चाहिए और एक कॉलम आगे वाली वैल्यू, तो एक यहां डाल देता हूं, ठीक है जी, डॉट वैल्यू इक्वल टू वाई, ठीक है जी। सर ये ठीक से समझ नहीं आया सर, ये इसको एक सेकेंड, इसको मैं छोटे से एग्जांपल में दिखा देता हूं,
twice, then r dot offset, और इसमें एक दो तीन चार जीरो चार डॉट वैल्यू इक्वल टू देखिए। अब ऑफसेट मैंने क्यों यूज किया, आर में एक एक करके एड्रेस जाएगा पहले, ठीक है जी। ऑफसेट ये ऑफसेट करता क्या है? हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, पहले आर को समझिए आर क्या कर रहा है इस टाइम, ठीक है जी। आर ने सिलेक्शन में क्या हुआ कि पहला इसे ए टू पास किया, ठीक है जी। अब आर में ए टू है तो ऑफसेट क्या करेगा, उससे एक अंदाजा लेगा, अंदाजा लेता है कि जैसे मुझे एक्सेस करनी है ये बी टू, ए टू से बी टू करनी है, तो इसमें अगर टू सेकेंड में मैं, इसमें क्या है कि इतने रो इतने कॉलम ऑफसेट में, मैंने कहा उसी रो में चलो यानी टू सेकेंड रो में ही चलो पर एक कॉलम आगे ले लो उससे, तो एक कॉलम आगे मतलब जे, ठीक है जे, ठीक है जी। फिर मैंने लिखा अगर ये वाई है, इसकी वैल्यू वाई है तो क्या होना चाहिए, आर डॉट ऑफसेट जीरो चार, जीरो मतलब सेम रो में ही चौथे सेल में, मतलब यहां से काउंट करेगा ये सेम रो है ये, यहां से काउंट करेगा वन टू थ्री फोर कॉलम, अगर मैं रो भी दे देता ना एक रो तो वो यहां आ जाता, ठीक है जी। तो फोर उसमें क्या लिखवा दो, सिलेक्टेड लिखवा दो। तो अगर अभी मैं देखूं, चला के देखूं, अभी ये खाली इसी पे डिजाइंड है, अभी मैंने कुछ नहीं किया, अगर ये अभी क्या करेगा लूप चलेगा अगर इसे पहली रो में मिल जाता है, क्योंकि आर तो बदलता रहेगा, तो अगर इसे पहले ही उसमें खाने में मतलब पहले ऑफसेट में इसे वाई वाई मिलता है तो वहां सिलेक्टेड लिखा देगा, ठीक है जी। एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, एम्बिगुअस, अच्छा इसका नाम सेम है, देखिए। तो जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो यहाँ पे इसने सिलेक्टेड लिखा दिया, समझ आया क्या किया? ऑफसेट क्लियर हुआ थोड़ा? हाँ सर, तो ये क्लियर हो गया मेरे को, ठीक है जी। एल्स में क्या करवा देता हूँ मैं, यही कोड में रिजेक्टेड करवा देता हूँ, यहाँ पे रिजेक्टेड करवाऊंगा, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक सेल का नहीं करना सबका ही करना है, अगर तीनों में यस हो तो यहां पे लगेगा मेरा एंड का फॉर्मूला, ठीक है जी। कैसे लगाऊंगा ये भी दिखा देता हूं, इसमें एंड का फॉर्मूला एंड के कीवर्ड से लगता है, तो यहां पे लिखेंगे हम एंड आर डॉट ऑफसेट, और ऑफसेट में अब मुझे कौन से कॉलम, दूसरा कॉलम एक्सेस करना है, जीरो वन टू, हाँ ठीक है जी, उसकी भी वाई हो, फिर क्या करना है एक और एंड चाहिए, जीरो थ्री एंड आर डॉट ऑफसेट, ऑफसेट जीरो थ्री डॉट वैल्यू इक्वल टू वाई, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। तो ये तीन कंडीशन सेट हो गई और तीनों अगर ट्रू होती है तो ये चलेगा, अदरवाइज ये आएगा, ठीक है जी। ओके प्ले करके देखते हैं। सर एक क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन पूछो आपसे। हाँ जी हाँ जी। सर जैसे अगर आपने ये बताया ना कि यहाँ पर ये तीन आ रहे हैं अभी, हाँ। ये आपकी स्क्रीन अटक गई, हाँ ठीक है। जैसे आपने बताया ना कि अभी यहाँ ये तीन वाई है, अगर सपोज करो यहाँ पर हजार वाई होते हैं जैसे, ठीक है ये हजार होता है, ये बी सी ऐसे करके बहुत आगे तक होता है ये चीज, हाँ। तो उसमें बी सी डी लूप यूज करते हैं हम लोग, उसमें भी लूप, अच्छा तो इसमें चल, अच्छा फिर उसमें एक इस लूप से ऊपर एक लूप आ जाता जिसमें हम ये ऑफसेट की ये पोजीशन कंट्रोल करते आई के थ्रू, मतलब आई या कुछ भी काउंटर लगा के, ठीक है जी।
अच्छा ठीक है जैसे ओके ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं ना, वैसे ही अभी भी यहाँ यूज कर रहे हैं ना, आर के थ्रू तो हम मल्टीपल ही कर रहे हैं, तो एक ऐसे भी चल सकता हाँ है, जी ठीक है जी। ओके अब नेस्टेड लूप जी कहते हैं उस चीज को। तो अब अपना कोड ये चला के देख ओके लेते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो आप देख रहे हैं कि जहां पे यस है तीनों में, वहीं पे खाली सिलेक्टेड आया है, बाकी जगह रिजेक्टेड ओके ठीक है जी। एक और एग्जांपल देखते हैं, और का भी आपने लगाया होगा है ना, तो हाँ इसको मैं क्या करता हूँ, एक नया कोड बना देता हूँ और इस पर सी कर देता हूँ, और इसको शीट क्लीन, सेम ऐसा ही डेटा मुझे चाहिए। शीट थ्री के लिए अब मुझे क्या करना है कि मैं अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि हम गए, ये कैंडिडेट गए बैंक अकाउंट खुलाने, तो इससे इन्होंने कहा कि मुझे वोटर आईडी दे दो आप, या ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, या पैन कार्ड दे दो, तीनों में से कोई एक भी दे दोगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है जी। ये कोड बनाना है, इसमें क्या है कि तीनों में से अगर एक में भी वाई है तो अकाउंट खोल देना चाहिए, ठीक है जी। अब वैसे मैंने कंडीशन सेम रहेगी, इसमें एंड की जगह और लगाना है, बस हल्का सा चेंज बस यही है, प्रोग्राम सेम रहेगा मेरा, और तीनों जगह पे मुझे एड की जगह और लगाना है, दो ही जगह एंड की जगह और लगा दिया मैंने यहाँ, और यहाँ सिलेक्टेड रिजेक्टेड की जगह ओके नॉट ओके कर। तो वीबीए कोड की खास बात क्या है कि ये तुरंत आपका रेक्टिफाई भी हो जाता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है। फॉर्मूला में तो बड़ी 36 चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। हाँ, इसमें से मैं ये शीट टू हटा देता हूँ ताकि ये खाली उसी पे लिमिटेड ना रहे। अभी इसको प्ले करता हूं, अच्छा तो अगर आप शीट हटा दोगे तो वो सब शीट पे लग जाता है। हाँ शीट्स में क्या होता है कि वो लिमिटेड हो जाता है कि केवल उसी शीट में चलना चाहिए, ठीक है जी। तो रेंज ये सबके लिए हो जाता है, तो मैंने इसको कर दिया और यहाँ पे ओके नॉट ओके रिजल्ट करके आ गया, ठीक है जी। छोटा सा आपको फॉर ईच की क्लैरिटी के लिए एक और दिखा देता हूं ताकि वो ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए मैक्रो बनाना है मुझे, या आपको पता है एक्सेल में जो होता है केस हम नहीं लगा सकते है ना, मतलब चेंज केस करना एक टफ चीज होती है इसमें, मतलब अपर को लोअर में करना, लोअर को अपर में करना टफ चीज होती है, क्योंकि हम उसको फॉर्मूला की तरह करते हैं, इंसर्ट करते हैं। और वो मैं चाहता हूँ या तो मैं एक बटन बना दूं या एक मैक्रो बना दूं जो बस सिलेक्ट करूं और उसको चला दूं तो ये कैपिटल हो जाए या वैसे हो जाए, ठीक है जी। इस तरह का मैं चाहता हूँ, तो बहुत ही छोटा सा कोड बनेगा इसके लिए, उसमें फॉर ईच भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कर दिया सब यूसी कर दिया अपर केस के लिए, ये फॉर्मूला बना ये बना रहा हूं। इसमें मुझे बस ये, इसके लिए मुझे ना रेंज का एक वेरिएबल चाहिए होता है, मैं मोस्टली आर के नाम से बनाता हूँ, के नाम से बना सकता हूँ कुछ भी, फॉर ईच आर इन सिलेक्शन नेक्स्ट आर, इसके बीच में कोड होता है, ठीक है जी। अब मेरे को क्या करना है, आर डॉट वैल्यू, जैसे अपने पास उसमें अपर का फॉर्मूला होता था, इसमें यू केस का फॉर्मूला है, यू केस के अंदर आप आर डॉट वैल्यू में पास कर देते हैं, तो आर में जो वैल्यू आएगी वो यू केस में ट्रांसफर होगी और यू केस वापस उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। यू केस अपर केस में चेंज करता है, तो यूसी का एक वो बना, यूसी नाम का एक मैक्रो बनाया,
ठीक है। अब ये सिलेक्शन क्या है, कहां से लेगा, ये जो आपका यहां पे सिलेक्टेड होगा ना तो उसको ऐसे सिलेक्शन लेगा, ठीक है जी। चाहो तो मैं एक बटन भी सेट कर सकता हूँ, बटन आपको जरूरी नहीं बटन ही पे सेट करें, किसी भी उसके ऊपर सेट कर सकते हैं, किसी भी शेप के ऊपर। ये शेप लिखा मैंने, कहा कि अपर, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा अच्छा बना दिया, राइट क्लिक किया इस पे, असाइन मैक्रो है तो यूसी वाला मैं इस पे असाइन कर दिया मैंने, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, क्लिक किया कैपिटल में हो गया, ठीक है जी। ओके ठीक है जी। तो मतलब ये क्या करता है, एक एक करके वैल्यू ट्रांसफर करता है। अब इसी तरह लोअर केस का बनाना है, छोटी छोटी यूटिलिटी भी जिस तरह से आप फटाफट कर सके चीजों, क्योंकि ये कोड बनाने में ज्यादा टाइम तो लगता नहीं। यूसी की जगह एलसी कर देता हूँ, एलसी, और यहाँ यू केस की जगह एल केस का होता है लोअर में कन्वर्ट करने की, ठीक है। एक और ही ऐसा ही बना लेता हूँ बटन, और इसको मैं लोअर कर देता हूँ, और इस पे असाइन मैक्रो कर देता हूँ एलसी, ओके। तो ये दो बटन हो गए, जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा इससे अपर में हो गया, इससे लोअर में हो गया, सिलेक्ट करके अपर लोअर, अपर लोअर, ठीक है जी। फास्ट कोड है, ठीक है सर। तो फॉर ईच का फॉर्मूला कुछ इस तरह से काम करता है, जिसमें आपको लिखना होता है फॉर ईच रेंज का नाम देना होता है, एक वैसे ही कोई भी वेरिएबल इन एक ग्रुप, जो कि सिलेक्शन से आ सकता है, आप रेंज में किसी ग्रुप का भी डाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसमें रेंज ऐसे करके भी दे सकते हैं, A1 से A10 तक, इस तरह से भी दे सकते हैं, ठीक है जी। या सिंगल रेंज भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो सिलेक्शन कीवर्ड क्या करता है, अपना पूरा सिलेक्टेड वैल्यूज को करता है, ठीक है। तो हमने देखा और का कैसे यूज करेंगे, एंड का कैसे यूज करेंगे, इफ एल्स का फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है। इफ एल्स में अगर बीच में आपको कंडीशन और भी लगानी है तो आप अपना वो यूज कर सकते हैं, क्या नाम है, एल्स इफ का, जिसके अंदर आपको कंडीशन देके और फिर यहाँ देन लगा के ये करना होता है। बट इसके साथ आपको क्या करना पड़ता है, एल्स के लिए अलग से कोडिंग करनी पड़ती है, ठीक है जी। ठीक है, तो ये तो क्लियर ही है, इसके लिए इसको ज्यादा नहीं छेड़ूंगा। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारी कंडीशन है और कितने इफ एल्स एक में लगाएंगे, जैसे एल्स इफ की कोडिंग करते हैं, इसी तरह बहुत सारी कंडीशन है तो मुश्किल पड़ती है हमें, तो उसके लिए हमारे पास होती है इसमें केस, केस कहते हैं, केस स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। बहुत ही आसान होता है उनको यूज करना। अब जैसे कलर चेंज वाली ही बात है, जहां हम कलर चेंज करा रहे हैं, इसी की तरह एक और ले लेते हैं, शीट 5 पे कर लेते हैं। अब यहां हमने थोड़ी सी रेंज अलग अलग दे दी, यहाँ पे क्या दे दी मैंने, कहा जो 10 से 20 की वैल्यू है, जो मैंने कहा 10 से 20 की वैल्यू है, जो वो जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए रेड, ठीक है जी। 20 से 30 की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए येलो, ठीक है जी। 30 से 40 की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए ब्लू, ठीक है जी। और इसी तरह आपके पास लंबी लिस्ट है, मतलब काफी सारी है कहने का मतलब, अभी फिलहाल 3 के साथ। अगर इफ एल्स से इसको लगाएंगे तो आपका मतलब लंबी स्टेटमेंट चली जाएगी, है ना।
टाइम भी वेस्ट होगा। तो उसके लिए जब आपके पास बहुत ज्यादा कंडीशन आ जाती है तो हम यूज करते हैं केस। तो सबसे पहले इफ का हम वो ले लेते हैं जो हम यूज कर रहे थे मॉडल, ये वाला, और इसी में आगे देखते हैं। इसको भी लिमिटेड नहीं करता मैं यहाँ पे अलग से, सेम चीज चलेगी बट यहाँ पे इफ के फॉर्मूला की जगह हम यूज करेंगे केस। ठीक है, सिलेक्ट और एंड सिलेक्ट इसके बीच में चलता है। ठीक है जी, हाँ केस आर। या सिलेक्ट आर, आर कर देख लेते हैं इसको, मैंने इसके वैसे ऑलरेडी एग्जांपल ले रखे हैं काफी सारे। हाँ तो सिलेक्ट केस लगाते हैं और इसको लगाते हैं इसमें, सिलेक्ट केस आर, और इसमें जो मतलब आर अब इसके अंदर आ गया। अब बस आपको कंडीशन देनी है और अपना करते जाना है। अगर केस इज ग्रेटर देन 100 ग्रेटर केस इज greater than or equal to 10 and less than 20, less than 20, एक सेकेंड एक कॉल आ रही है। हाँ ये क्लियर है आपको ये कि क्या हुआ? हाँ सर ये मेरे को क्लियर है, मतलब मेरे को ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस करके याद करना पड़ेगा लेकिन क्लियर तो ही है। हाँ तो सिलेक्ट केस में मैंने बताया कि सिलेक्ट केस से केस स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, आर डॉट वैल्यू में वो चीज आती है जिसकी कंडीशन चेक करनी आती है, और केस के बाद इसके भी अलग अलग पैटर्न है, वो चीजें डालते हैं जो हमें कंडीशन डालनी है। इसके तीन चार पैटर्न है, ठीक है जी, मल्टीपल कंडीशन आ गई और उनके नीचे ही उनका काम आ गया। अब इसके अलावा मुझे एल्स में देना है, तो केस एल्स है मेरे पास, ठीक है जी, इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जो भी आए, आर डॉट इंटीरियर फॉन्ट का कर देते हैं, फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू, इसका कलर जो है वीवी ब्लू कर देते, बीबी ब्लू ऑलरेडी है सर। हाँ नहीं वो अब फॉन्ट का कलर करा है ना वो, तो अच्छा फॉन्ट सॉरी, ठीक है ठीक है जी। तो ये प्ले करूंगा तो ये इस तरह से आपको दिखा दे, ठीक है जी। तो ये इसके और भी एग्जांपल जो हैं वो आपके यहाँ पे हैं, कि जैसे आपको एल रीजन है, मान लीजिए ये स्ट्रिंग का कोई है, इसमें किसी ने एन एंटर किया तो एल रीजन का नाम क्या रिटर्न करना चाहिए, नॉर्थ, एस एंटर किया तो साउथ, ई एंटर किया तो ईस्ट, डब्ल्यू एंटर किया तो वेस्ट, ठीक है जी। एंड सिलेक्ट ये हो गया। दूसरा है कोई नंबर है, जैसे अभी हमने किया 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, फिर एल्स केस, ठीक है जी, नॉर्थ साउथ ईस्ट, इसने इन नंबरों पे रिटर्न किया, बाद में वेस्ट। देन आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है, मल्टीपल, जैसे 1-2 के लिए नॉर्थ आना चाहिए, 3-4-5 के लिए साउथ आना चाहिए, 6 के लिए ईस्ट आना चाहिए, 7-11 के लिए वेस्ट आना चाहिए, ठीक है जी, एक ये पैटर्न है। दूसरा जहां लॉजिकल है वहां पे इज लगा के आपको देना है,
इज ग्रेटर देन 100, इज ग्रेटर देन 200, इज ग्रेटर देन 300। तो ये तीन पैटर्न है, ठीक है जी। इसमें मोस्टली आपका काफी सारा काम हो जाएगा। इसके नेट के ऊपर और भी एग्जाम्पल है, हालांकि इससे ज्यादा एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक खाली फंक्शनैलिटी दिखा दिखा के सेट कर रहा हूँ, बाकी एक आधा प्रोजेक्ट आपको लूप के बाद हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जो चीज हमने अभी तक पढ़ी है उसको बाउंड कर पाएंगे, ठीक है सर। ठीक है सर। तो इसकी मैं फाइल भेज देता हूँ,